जरा। निकालने के बाद हल्दी को अच्छे से सफाई कर दी गई है। ये मैं साफ़ करते समय नहीं बना पाई वीडियो। ये इसकी जड़ और मिट्टी सब धो करके साफ करके ये इतना कूड़ा कचड़ा इसमें निकला है। इसके बाद फिर उसको धो लिया, धो के दो दिन पानी में सुखा करके। बस इतनी उबली होगी, पूरा निकला। अच्छा, एक बार बस ऐसे उबाल आ गया इसमें, बस हो गया ना। इससे फाड़ने से हो जाता है ना, काला काला से इसमें वो आ जाएगा। ये कलर देखो कितना समय ज्यादा लगेगा सुखाने में, पीला पीला कलर अच्छी रहेगी। बाद में थोड़ा समय लगेगा, बाकी सारा वो सब चला जाएगा, खराब हो जाता है ना। अच्छा, वो ऊपर का पपड़ी फाड़ के, अच्छा तो वो उसमें अंदर जो होगा वो काला हो जाएगा। ऐसे करेंगे तो अंदर पूरा इसको ना, यही पानी गर्म है, इसी में डालेंगे, पानी बदलेंगे। इसमें गिर जाएगी। जाली में आ जाएगी। इसमें डाल, जाली में पानी पानी पूरा नहीं हो जाएगा, पानी निकल जाएगा ना। पानी रहेगा ना तो जल्दी आपकी हो जाएगी। इसी पानी में डाल सकते हैं। गरम होगी, तीन वाले क्या करते हैं ना, बड़ा वाला छन्ना ले लिया एकदम। हां भाई रोक लिया, आता हूं तेरे यार। हैं यार, क्या करना है अभी, तो बहुत है। है तो बड़ा वाला ऐसे हो जाए ना, बस निकाला और डाल दिया अपना। मेरे पास एक जाली है, उससे पिघल जाएगी। आगे से आई, आगे हवा से बुझ रहा है तो अंदर रख लेते हैं। मैंने बोली थी गैस अंदर रख लेते हैं, यहाँ पे रखिए तो हवा से बुझ जाएगा तो और आपस में क्या है। बट्टी को अंदर कर लो, साथ को अंदर कर लेंगे ना, बस करो। ये चिल्ला रहा है, साशा को आना है बाहर। साशा नहीं बेटा, हल्दी पर नहीं चल जाओ। देखो माली अंकल निकाल रहे ये टेक्निक है, इसको पता है, ऐसे रोएगा तो पलटने वाला काम नहीं रहेगा।
रुको रुको थोड़ा सा करो, नींद आने लगती है फिर। चल रहा है दो बाल्टी आ जाएगी ना, दो बार में हो जाएगा आपका, एक बार और लगेगा बस ना, छह बाल्टी के बराबर हो गया ये। बुझ रही है क्या? अरे बुझ गई भैया, गैस निकल रही होगी, डेंजर हो जाएगा भैया, ये बुझ गई है गैस, नहीं भक्क से होगा, आप मत करो इसे, खतरा हो जाएगा, इससे मत करो, ज्यादा हो गई, पानी थोड़ा और डाल लो, पानी और डालो, पानी तो पानी ऊपर तक आना भैया, ये आप अंदर कर लो गैस, बंद कर दो इसको, खतरा हो जाएगा इसमें, बंद कर दिया है, एकदम स्लो कर दिया, देखे रहिएगा ऐसा ना गैस निकले और वो बंद हो जाए ना हवा से, फिर दिक्कत हो जाएगी, वहीं रख लेते हैं अंदर इधर। हाँ पहले जब खाली हुआ था तब कर लेते, ये उबली हुई है, ये उबल रही है, पूरी हल्दी बन जाएगी काफी, इसको फ्रेंड्स कैसे हैं। तो कल मैंने जो दिखाया था आपको, कल मैंने पूरा हल्दी खेत से मालिक के साथ निकलवाई थी, उसको हम लोगों ने लगाया था लास्ट अप्रैल में लगाया था और अभी फरवरी में निकाला है, फिर उसको धोया, साफ किया, उबाला, और कल तो पूरा टाइम ऐसे थक गए थे पूरा, मतलब शाम तक उसको उबाला, तीन चार राउंड उसको उबाला पड़ा बड़े से पतीले में, और उसके बाद फिर उसको सूखने के लिए रखा। तो अब 20-25 दिन सुखाएंगे, जब अच्छे से सूख जाएगी तब पीसेंगे। और जो अभी हल्दी सुखाने रखी है वो दिखाती हूँ, कल उबाली थी और देखो सूखने, हल्की सी सूखी है, तो सूखने के बाद कैसी लगती है वो आपको दिखाती हूँ, देखिए सूख गई है पूरी, पानी निकल गया है, हथौड़े से नहीं कूटेगी वो, मशीन में डालेंगे, जब पूरी सूख जाएगी ना तब मशीन में डाल करके, वो कह रहे हैं कि वो जो मशीन होती पीसने वाली वो एक राउंड में हल्का सा करेगी, तो उसका ये छिक्का रहे, तो वैसे तो छिक्कल निकाल सकते हैं, ये वाले छिक्कल हैं, अगर बैठ के कोई निकाल दे तो अच्छा है, हमने बोला पतली पतली काट लो, तो कह रहे पतली पतली अगर काटोगे तो ये पूरी सूख जाएगी, बेकार हो जाएगी,
ठीक है, तो ये मशीन में ही वो पूरा खुरच के निकाल देंगे, उसके बाद पीसेंगे एक राउंड मशीन में, इसको पूरा खुरच के कर देंगे। ये देखो ऐसे कलर आया है, ये स्किन बैठ के निकाल सकते हैं, लेकिन इतनी सारी कौन बैठ के निकालेगी, तब निकल जाएगी। नहीं वो निकलनी नहीं है, वो पूरी सूख के एकदम पतली सी हो जाएगी, जितनी दिख रही है ना इतनी बचेगी वो थोड़ी सी सूख करके। देखो अच्छी है, कलर अच्छा है, देसी है ये पूरी। इसी में से थोड़ी रख ली थी इसकी जड़ें, जो फिर दोबारा लगाने के लिए। साशा को देख लेना, तुमने बंद कर दिया था साशा को कार पे। हैं? तुमने साशा को बंद कर दिया। अच्छा तुम भी मिलो सबसे, बहुत दिन के बाद फिर से बनाया वीडियो। अरे वो नहीं खाता है। साशा 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 हेलो करो, हेलो करो, हेलो। पीछे से अंदर आता है कि बाहर जाएगा। और आओ साथ में आओ, हल्दी मत खाना, आ जाओ आओ।